हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास टैक सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल का यूज़ करके हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये एक टेबल बनाई हुई है मैंने नॉर्मली, तो इसमें मैंने एक ही लिंक डाली हुई है। तो अब हम यहाँ पर अपना क्यूआर कोड बना के लगाएंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट पर जाकर और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर गेट एड्स इनका ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा मैं और ये हमारा ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में QR फॉर ऑफिस सर्च करूँगा। QR फॉर से यहाँ पर नॉर्मली एड पे प्लेस करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब उसी के नीचे जस्ट एड इंस का ऑप्शन है, या तो ये नॉर्मली आपके यहाँ पर खुलकर रह जाएगा और नहीं खुलता है तो यहाँ पर आप आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। सी ऑल पे कर आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा। ऐड करते ही इसके बाद ये यहाँ पर आपको थोड़ी देर में ऑफिस में जनरेशन लेकर यहाँ पर शो होगा। इस यहाँ पर जनरेट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली जैसे हमें यहाँ पे कोई भी जिस तरीके का जिसका हमारा सर्वर हो उसका या फिर जो लिंक हो उसको हम सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जैसे मेरा ये HTTPS का है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे मुझे जो भी डालना हो, जैसे मुझे यहाँ पे डालना है, मुझे ये लिंक कॉपी करना है, तो मैं इसको यहाँ से जैसे ये यहाँ पर शो हो गया ऊपर, तो मैं इसे यहाँ से ईजिली यहाँ से इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया। इसके बाद ये मेरी जो इंस्टा की जो प्रोफाइल है उसका ये QR कोड जनरेट होकर यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जिस तरीके का हमें इनको कलर चाहिए हो, और इसका साइज़ भी हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं तो जो भी हमें चाहिए हो, और एरर करेक्शन भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके का हमें इसमें करेक्शंस करने हो। इसके बाद हम इसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट करते ही ये यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब हम इसे यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं और रिसाइज करने के बाद अब आप फ्रेंड्स अगर आप इसे स्कैन करते हैं तो ये आपको सीधे सीधे मेरी इंस्टा की प्रोफाइल पर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर QR कोड जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डेली यूज़ के जो सॉफ्टवेयर है MS Excel उसको यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।